हाय, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर डेली मार्केट शो। कल मार्केट्स में हमें हैवी सेल ऑफ्स देखने मिले। अब आज आपकी निफ्टी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, चलिए देखते हैं। स्टॉक रिकमेंडेशंस के साथ शुरुआत करेंगे। 5 डेज पोजिशनल कॉल के लिए कोटक सिक्योरिटीज के टेक्निकल रिसर्च टीम ने PNB बाय करने रिकमेंड किया है। टारगेट सेट करें 110 या 112 के लेवल्स पर और स्टॉप लॉस लगाना ना भूले 99 के लेवल्स पर। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए फंडामेंटल कॉल को देखेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स प्राज इंडस्ट्रीज का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। टारगेट प्राइस है ₹790 फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। मूविंग ऑन, निफ्टी के अब इंपॉर्टेंट लेवल्स को देखते हैं। मार्केट का करंट स्ट्रक्चर एक वीकर साइड पे है एंड इज ओवरसोल्ड, हेंस एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हमें दिख रही है ऑफ इंट्राडे पुलबैक रैली फ्रॉम द करंट लेवल्स। ऑन द डेली चार्ट इंडेक्स ने एक लॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक का भी फॉर्मेशन फॉर्म किया है जो फर्दर वीकनेस इंडिकेट करता है फ्रॉम द करंट लेवल्स। फॉर डे ट्रेडर्स आज 23,800 की सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा एंड ऑन द हायर साइड 24,100 24,200 की रेजिस्टेंस लेवल्स की तरह एक्ट करेगा। 23,800 लेवल्स के ऊपर मार्केट और ऊपर जा सकता है टू 24,050 टू 24,200 लेवल्स। ऑन द अदर हैंड फ्रेश सेलिंग पॉसिबल है ओनली आफ्टर ब्रेकिंग 23,800 लेवल्स। बिलो दिस मार्केट कैन स्लिप टुवर्ड्स 23,500 टू 23,400 लेवल्स वेर इट हैज द सपोर्ट ऑफ 200 डेज SMA। आज आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टू रिड्यूस वीक लॉन्ग पोजिशंस एट ईच रेजिस्टेंस लेवल दैट इज अराउंड 24,100 टू 24,200 लेवल्स। और फाइनली आज कौन से स्टॉक्स फोकस में है ये देखते हैं। आज सजिलिटी इंडिया का IPO ओपन होगा फॉर सब्सक्रिप्शन। ये कंपनी एक हेल्थ केयर फोकस सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है। इस IPO का इश्यू साइज ₹2,106.60 करोड़ है। इसके बारे में हमने अलग से एक वीडियो में बात करी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। NTPC और ONGC ने मिलकर एक 50-50 ज्वाइंट वेंचर फॉर्म किया है टू ड्राइव देयर रिन्यूएबल एनर्जी एम्बिशंस। ये जो नई कंपनी फॉर्म हुई है इट विल फोकस ऑन सोलार, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज एटसेट्रा। आयशा मोटर्स रॉयल एनफील्ड ने एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड फ्लाइंग फ्ली लॉन्च की है एंड हेंस इट मार्क्स इट्स एंट्री इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट्स। भारतीय एयरटेल की होल्डिंग कंपनी दैट इज भारतीय टेलीकॉम ने ₹11,150 करोड़ रेस किए हैं वाया बॉन्ड इश्यूएंस अक्रॉस 6 ट्रांचेस। द प्रोसीड्स विल बी यूज्ड फॉर द इन्वेस्टमेंट्स एंड ट्रांजैक्शन रिलेटेड कॉस्ट। और फाइनली आज 5 नवंबर डॉक्टर रेड्डीज लैब, टाइटन कंपनी, गेल इंडिया, ऑयल इंडिया, बर्जर पेंट्स अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स आज अनाउंस करेंगे। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। इसी तरह रोज मार्केट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू कोटक सिक्योरिटीज यूट्यूब चैनल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई वेबसाइट लिंक को आप चेक कर सकते हो फॉर रेगुलर मार्केट अपडेट्स। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग अपडेट्स। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.